हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, जाबी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त क्लास को। और आज आप लोगों का जो राज्य व्यवस्था पॉलिटी का जो ये लेक्चर है, लास्ट लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज हम इसका सोहा कर देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो आप लोगों को इतनी समस्या आ रही थी करंट अफेयर को लेकर के, तो अब देखिए आप लोग भयमुक्त हो गए ना। हमने आपसे बोला था कि करंट अफेयर के थ्रू आप लोगों का सिलेबस भी रिवाइज करा देंगे, तो सिलेबस भी यहाँ पर रिवाइज कराया जा रहा है। इसी वजह से आप लोगों की क्लासेस काफी अच्छी लग रही है, आप लोग काफी प्यार दे रहे हैं। इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, हम आप लोगों के लिए मोस्ट प्रीमियम क्लासेस लाएंगे। तो कल से आप लोगों की, देखिए ये तो खत्म हो गया, कल से हम लोग क्या कवर करेंगे? कल से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ये वाला जो पर्यावरण है ये आ गया है। तो देखिए कल हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने इसको निकाला था। तो ये देखिए थोड़ी सी मोटी है, तो जो इन्वायरमेंट होता है और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की जो विजन 365 आती है, करंट अफेयर्स ज्यादा होती है, करंट के टॉपिक ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से करंट की थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेंगी, इसलिए इन पर क्लासेस भी थोड़ी सी ज्यादा चलती हैं। और जो आप लोगों को अदर सब्जेक्ट के जो करंट अफेयर की विजन 365 आएंगे वो थोड़े कम होते हैं। ये दो सब्जेक्ट हैं ये थोड़े से हैवी रोल रखते हैं, एक एनवायरनमेंट, और एक आप लोगों को एक एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, दूसरा इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, एक आईआर भी थोड़ा सा ज्यादा सेक्शन होता है। ओके, तो देखिए आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया होगा, टेलीग्राम पर हम शेयर भी कर दिए थे। और आज की जो क्लास है ना, वो आज की क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हम खाना बना रहे थे। आप लोग जानते हैं हमारी नानी जी की डेथ हो गई थी, तो कुछ रसम होता है, तो मम्मी हमारी नानी जी के यहाँ गई हुई है, तो खाना वाना हम ही को बनाना पड़ता है, हमें पापा जी खाना बनाना नहीं जानते हैं। तो पापा जी का अभी गाँव से फोन आया, हम खाना ही बना रहे थे अभी, तो पापा जी का फोन आया कि अपनी गाय है वो बच्चा देने वाली है, अभी उसका मुंडी है, बच्चे का बाहर आ गया है, गाय है हमारी वो ब्याहने वाली है। तो हमने खा रही, तो गाय होती है ना थोड़ी सी उजड़ी टाइप की होती है, वो काबू में नहीं आती है, तो कभी कभार जा करके हेल्प करनी पड़ जाती है दो लोगों के लिए, तो पापा के लिए कैसे करेंगे, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा, 2-4 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप लोगों की क्लास ऑफ ना हो, इसी वजह से मैं तुरंत अभी आटा ही गूंद रहा था, देखिए थोड़ा बहुत आटा भी लगा हुआ होगा हाथों में, तो मैंने कहा चलो पहले क्लास रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो इसीलिए आज आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। ओके, कल से आप लोगों की लाइव क्लास होगी, तो इस वजह से ऐसा मत समझिएगा कि हम रिप्लाई कर रहे हैं और सर हमारा मैसेज भी ना देख रहे हैं, क्या हो गया है? तो मैसेज इसीलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। ओके, और आप लोग के लिए देखिए जो जैसे करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, इसी तरह से महामैराथन क्लास 1 अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल नहीं, अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी। सभी सब्जेक्टों पर आप लोगों के लिए एकदम राजा रानी बना देंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली, आकर के ज्वाइन करिएगा। तो चलिए यहाँ पर ज्यादा चीजें नहीं डिस्कशन करते क्योंकि अभी हमको गांव भी जाना है और अभी हमें रोटियां भी सेकनी है। ओके, तो इस वजह से जल्दी से क्लास को रिकॉर्ड कर देते हैं। ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिए जाकर के, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, टेलीग्राम का लिंक अगर आप लोग पास नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, हम प्रोवाइड करा देंगे। अभी हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था, ये लास्ट लेक्चर है, ज्यादा इसमें टॉपिक नहीं बचे हैं, थोड़े से टॉपिक है, आज हम इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ कि हो रही है प्रॉपर की नहीं हो रही है। चलिए वॉइस और रिकॉर्डिंग सब कुछ प्रॉपर हो रहा है। ओके, देखिए अभी हम कंप्यूटर है एकदम रानी बना लाए हैं, बहुत ही स्मूथली चलता है, बस इसमें अभी विंडो है वो एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि विंडो है जो इसमें प्रो विंडो हम चलाते हैं जो 16,555 रुपए की समथिंग आती है, तो वो अभी नहीं डलवाई है, लेकिन इसमें SSD कार्ड और रैम डलवा दिया, तो एकदम सुपर फास्ट ये चलने लगा है। तो वैसे पायरेटेड रूप से इसको एक्टिवेट करा सकते हैं, तो हम सोचे कि चलो एक्टिवेट कर लेंगे या नहीं करेंगे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं। अभी हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते क्योंकि कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि अभी कोई समस्या नहीं है इसमें, बहुत ही मस्त चल रहा है। और आप लोग की अब कितने भी घंटे की क्लास दें, 5 घंटे की, 10 घंटे की क्लास दें, तब ये हैंग नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए हम लोग देखेंगे, इससे पहले कि हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, देखिए यहाँ से हम लोग कवर करने जा रहे हैं, और आप लोगों के लिए सिलेबस से लिंक करके भी पढ़ाते हैं, तो आज भी सिलेबस से लिंक करके भी पढ़ाएंगे। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहला टॉपिक है आधार के बारे में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड आप लोगों के पास भी होगा। ओके, जिसमें आधार का फोटो होता है बड़ा गजब का होता है, हमारा तो ऐसा फोटो है उसमें डिटेक्ट ही ना करता है कि अरे यही क्या आरती सर है कि नहीं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में आ गया है। तो चलिए आधार नियमों में क्या संशोधन किया है वो हम लोग देख लेते हैं। ये पढ़ा तो नहीं दिया था मैं, 1 सेकेंड नहीं पढ़ाया था। ओके चलिए ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा हाल ही में गवर्नमेंट ने कुछ नियमों में परिवर्तन किया है, तो नियमों में क्या परिवर्तन किया है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 वर्ष, जैसे आपने नामांकन कराया होगा, जिस तारीख को नामांकन कराया होगा
उससे 10 वर्ष के अंदर आपको अपनी डिटेल है वो अपडेट करानी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए किसी ने अपना आधार कार्ड 2016 में बनाया, तो 2016 से 26 के बीच में एटलीस्ट मिनिमम एक बार उसे अपनी डिटेल को अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ में क्या होता है, इंसान बदलता चला जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन डेटा है उसको अपडेट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे आरजी सर अभी फोटो लगा करके चेंज करा करके आए थे, तो फिंगरप्रिंट हो गया, आई रेटिना हो गया, तो कुछ चीजें उसमें अपडेट कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, केंद्र सरकार ने ये नियम ही बना दिया। नियम क्या बना दिया भाई, 10 वर्ष पूरे होने पर कम से कम एक बार व्यक्ति को अपनी जानकारी अपडेट करानी ही करानी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्रीय पहचान डेटा जो रिपोजिटरी में आधार से संबंधित जानकारी की निरंतर सटीकता है वो सुनिश्चित होगी अगर ये अपडेट होगा, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए आधार क्या है, आधार आप लोगों को देखने को मिलेगा जो देखिए आधार को जारी किए गए सभी आधार नंबर तथा ऐसे व्यक्तियों की जो कोरिस्पोंडिंग जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी है वो इसमें दर्ज की जाती है। इसमें 12 अंकों का ये होता है, शायद मैं अभी भूल रहा हूँ, 12 अंकों का जो ये नंबर होता है आधार कार्ड पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो एक विशिष्ट आईडी होती है, वो हर व्यक्ति की अलग होगी, किसी व्यक्ति की एक नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति की अगर एक ही अगर वो 12 अंकों की आईडी है तो समझ लीजिए कहीं पर समस्या है, वो जाकर के आपको सुधार कराना पड़ेगा उसमें। तो देखिए ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर देखिए हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा इस अथॉरिटी के बारे में, तो इस अथॉरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आधार है वो कौन जारी करता है, तो आधार है वो जारी करता है UIDAI है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा आधार जारी करता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको बोलते हैं। ओके देखिए एक क्या है, ये आप लोगों को सांविधिक प्राधिकरण देखने को मिलेगा, संवैधानिक मत लगा दीजिएगा, सांविधिक जिसको वैधानिक बोलते हैं वो ये आप लोगों को प्राधिकरण देखने को मिलेगा, यही इंस्टीट्यूट है, यही आपका आधार बनाता है, इसी की वेबसाइट पर जाकर के आप आधार में सुधार करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जो भी कार्य करने होते हैं वो करते हैं जाकर के। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो आधार अधिनियम 2016 है वो पारित किया गया था, उसी के अंतर्गत इसका गठन किया गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके अधीन आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसके अधीन आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा भारत के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान और सुरक्षित पहचान प्रदान करना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं, आप लोगों को देखने को मिलेगा नागरिकों के अलावा कोई और व्यक्ति भी है, विदेशी व्यक्ति भी है, वो भारत में निवास करता है तो वो भी अपना आधार कार्ड बनवा सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे वो व्यक्ति है वो एक साल के अंदर कम से कम 182 दिन भारत के अंदर रहा हो आवेदन से पूर्व, तो उसे आधार कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाता है। यानी कि आधार कार्ड है वो आपकी नागरिकता को सिद्ध नहीं करता है, समझ गए। तो आधार कार्ड प्रोवाइड क्यों कराया जाता है, आधार कार्ड इसलिए प्रोवाइड कराया जाता है जिससे एक ऐसा एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, विभिन्न योजनाओं का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा जो योजनाएं हैं उस सभी को लाभ मिले और साथ में जो भी चीजें हैं उनको सरल किया जा सके। ऐसा नहीं कि हर चीज में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगाते तो बड़ी समस्या आ जाती है। आज आप देखिए राशन लेने जाइए, बैंक अकाउंट खुलाइए, पैसे ट्रांसफर कीजिए, या फिर आप लोग एडमिशन लीजिए जाकर के, छात्रवृत्ति का फॉर्म भरिए जाकर के, कोई भी चीज आधार नंबर ही डालना पड़ता है। वरना पहले क्या होता था, कोई निवास मांगता था, कोई जाति मांगता था, कोई विभिन्न प्रकार की अलग अलग चीजें मांगता था, तो अब क्या है उन चीजों को कम कर दिया गया, अब कमी जगह पर और चीजें पूछी जाती है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस पहले बनवाने जाते थे, दुनिया भर की चीजें मांगता था, अब सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, कोई दूसरे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये देखिए सरकारी सेवाओं के लिए सत्यापन के संदर्भ में एक विश्वसनीय और कुशल माध्यम है वो प्रदान करना, और साथ में जो फर्जी और डुप्लीकेट माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको समाप्त करना, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा डिजिटल रूप से है, साथ में इसमें फिंगरप्रिंट आई रेटिना होता है, तो फेक आईडी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके
और अगर कोई फेक बना भी लेता है तो उसको जा करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप ये इसकी वेबसाइट पे जाइएगा और वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फेक है। अगर फेक होगा तो वहां पर वो उसकी डिटेल शो ही नहीं करेगा। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 अंकों का क्या होता है, एक विशिष्ट आईडी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आधार संख्या केवल उन व्यक्तियों को जारी की जाती है जो आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में, ये देखिए 182 दिन या उससे अधिक भारत में निवास कर चुके हैं, उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि इससे नागरिकों से मतलब नहीं है। ओके, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। आप कहेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं, इसका क्या सबूत है? तो कहना हम भारत में पैदा हुए हैं और हमारे मम्मी पापा हैं वो भी भारतीय हैं, इससे बड़ा कोई प्रूफ हमें देने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे अगर आप लोगों के पास में पासपोर्ट है तो वो भारत की नागरिकता को सिद्ध भी करता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अगर देखिए कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, अगर वो 5 साल से कम उम्र का है तो उसका क्या आधार कार्ड बन सकता है? यस, उसका भी आधार कार्ड बन सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उनके माता पिता की बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर बाल आधार कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके आधार पर? माता पिता हैं उनकी बायोमेट्रिक जो डेटा होगा उसके आधार पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। जब वो 5 वर्ष से प्लस हो जाएंगे फिर बाद में आप लोग देखने को मिलेगा उनका सामान्य हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत प्रमुख बात है आधार को लेकर के जो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। देखिए आधार कार्ड है, इसमें विभिन्न प्रकार का डेटा है, जो जैविक डेटा है मतलब आप लोगों को बायोलॉजिकल इसमें डेटा भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी आई रेटिना हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, कई सारे डेटा इसमें स्टोर करके रखा जाता है। इस डेटा का उपयोग है क्या अपराधियों को पकड़ने के लिए या फिर जो आपराधिक जांचें होती हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है? नहीं, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से आप लोग देख लीजिए, भारतीय पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आधार के लिए एकत्रित किए गए जो बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग अपराधियों की पहचान करने और साथ में अपराधों को सुलझाने के लिए नहीं किया जाएगा। बहुत प्रमुख बात है। इसका कारण यह है कि फॉरेंसिक उद्देश्यों के लिए बायोमेट्रिक जानकारी है वो एकत्रित यानी कि इकट्ठा नहीं की जा रही है, इस वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आधार संख्या सृजन और प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी उद्देश्य, देखिए मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए जो ये जानकारी है बायोमेट्रिक डेटा है वो साझा नहीं किया जाएगा। ओके, जानकारी को साझा करना और उपयोग करना आधार अधिनियम 2016 के तहत अनुमत है। ओके, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो पंजीकरण मतलब एक तरह से वेरिफिकेशन के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, अन्य चीजों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हाँ भाई आप सही व्यक्ति हैं या नहीं है, आप वहां के निवासी हैं या नहीं है, उसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए उसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्रीय सूचना आयोग है, ये काफी प्रमुख आप लोगों को देखने को मिलेगा। आखिर न्यूज में क्यों है? तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत आप जाकर के किसी भी विभाग किसी भी मंत्रालय से जाकर के जानकारी ले सकते हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स भी है। आप लोगों को देखने को मिलेगा के तहत की गई अपीलों के जो निपटारे में वृद्धि हुई है। अब देखिए जो आरटीआई दायर की जाती है तो उनके निपटान में वृद्धि हुई है, तो शिकायतें जाहिर सी बात है कम आएगी। तो इसी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए इसी वजह से हमको जूम आउट करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा कट जाता है। तो आप लोग 480 में वीडियो देखा करिए जिन लोगों को लगता है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दिखती है, क्योंकि हम जूम कर देंगे तो हमको ऐसे ऐसे हिलाना पड़ेगा बहुत, तो ये दिक्कत कर जाएगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए जब भाई आरटीआई दायर की जाती है और उसका जब निपटान है वो लगातार तेजी से किया जा रहा है तो शिकायतें जाहिर सी बात कम आएंगी। तो इसी के कारण केंद्रीय सूचना आयोग के पास जो लंबित आरटीआई जो मामलों की संख्या है उनमें गिरावट आई है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें सूचना का अधिकार, तो देखिए जो सूचना का अधिकार है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसे सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर लागू किया गया था, जो आप लोगों को आरटीआई अधिनियम 2005 देखने को मिलेगा। देखिए आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाता है, लोक प्राधिकारियों के कामकाजों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाता है तथा भ्रष्टाचार को रोकता है। इस प्रकार यह हमारे लोकतंत्र में वास्तविक अर्थों में जनता के लिए काम करने के योग्य बनाता है। तो ये चीजें आप लोग जानते होंगे। देखिए आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार जो सीआईसी और आईसी का वेतन
क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त के वेतन के बराबर होगा। लेकिन अब वर्तमान में आप लोगों को देखने को मिलेगा इनका जो वेतन है वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। केंद्र सरकार देखिए अधिनियम है ये कहता है कि जो आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो मुख्य आयुक्त होगा मतलब एक तरह से उसका हेड होगा उसका वेतन भत्ता कितना होगा उसको कितना वेतन भत्ता मिलेगा। तो जो चुनाव आयोग है जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो मुख्य आयुक्त है उसके समान इस मुख्य जो भी इसका प्रधान होगा उसका आप लोगों को वेतन भत्ता देखने को मिलेगा। जो अन्य आयुक्त हैं अन्य आयुक्तों के जो चुनाव आयुक्त के जो अन्य सदस्य जितना उनको वेतन भत्ता मिल रहा होगा वही इन लोगों को मिलेगा। ये पहले ऐसा नियम था लेकिन अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हालांकि आरटीआई अधिनियम 2019 द्वारा इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए इनका वेतन भत्ता कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा इनका वेतन भत्ता कितना होगा वो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार है ये देखिए लिखा हुआ है केंद्र सरकार है उसको प्रदान कर दिया गया भाई कितना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। देखिए आरटीआई के तहत है इसमें छूट भी शामिल है। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ मामलों में सूचना देना अनिवार्य नहीं है। अगर ऐसी सूचना मांगी जाती है जिससे राज्य की सुरक्षा और सामरिक और वैज्ञानिक हित हैं वो प्रभावित हो सकते हैं तो वो सूचना देने से मना कर सकता है सूचना नहीं दी जाएगी। किसी सूचना के प्रकाशन से न्यायालय की अवमानना हो सकती है ऐसी भी सूचना नहीं दी जा सकती है आरटीआई के माध्यम से। साथ में मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के जो रिकॉर्ड है मंत्रिपरिषद ने कोई विचार विमर्श किया है उसके जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं वो भी आप नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि कुछ चीजें गोपनीय होती हैं। हम लोगों को देखने को मिलेगा धारा 24 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित खुफिया एजेंसी या सुरक्षा संगठनों को सूचना के प्रकटीकरण से बाहर रखा गया मतलब जो हमारी खुफिया एजेंसी है जैसे रॉ हो गया ओके आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि रॉ हो गया तो जो एक क्या जो हमारी खुफिया एजेंसी है ये क्या कर रही है इनकी जानकारी पूछी जाएगी कि भैया कितना पैसा इनको दिया गया है कितने कर्मचारी कार्य करते हैं कितना इसमें खर्च किया जाता है वो नहीं बताया जाएगा भाई ओके ये चीज आप लोग देखने को मिलेगा। हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में सूचना प्रदान करनी होगी अगर इन खुफिया एजेंसियों के ऊपर भ्रष्टाचार ठीक है भ्रष्टाचार लगा हुआ है या फिर मानवाधिकारों का इनने उल्लंघन किया है तो ये जानकारी देना अनिवार्य हो जाता है अदरवाइज जानकारी देना अनिवार्य नहीं है तो ये चीज ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की अगर हम बात करें तो देखिए आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2005 में गठित किया गया था। इसी वजह से देखिए एक अधिनियम को पारित करके इसका गठन किया गया है इसी वजह से क्या है एक सांवैधानिक निकाय है एक वैधानिक निकाय है यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसकी नियुक्ति कौन करता है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है लेकिन राष्ट्रपति है वो अपने मन से किसी को नियुक्त नहीं कर सकता एक समिति का गठन किया जाता है वो समिति रिकमेंडेशन देती है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों के लिए नियुक्त करता है। तो इस समिति में कौन कौन शामिल होता है तो प्रधानमंत्री ओके इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए और ये प्रधानमंत्री होता है समिति का अध्यक्ष भी होगा। ध्यान से सुनिएगा अगर किसी समिति में अगर प्रधानमंत्री अगर है किसी समिति में तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को 99.99% आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वही क्या होगा अध्यक्ष होगा वही क्या होगा उस समिति का अध्यक्ष होगा ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री लोग प्रधानमंत्री इसकी समिति का सदस्य होगा साथ में लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होगा। ये तीन मेंबर से मिलकर के एक समिति का गठन होगा यही राष्ट्रपति को बोलेंगे कि ये सुनुआ को अच्छा ऐसा करो केंद्रीय सूचना आयोग का आयुक्त बना दो मुख्य आयुक्त बना दो तो बना दिया जाएगा बोलेंगे कि अन्य को भी बना दो जो आयुक्त हैं अन्य आयुक्त हैं उनको बना दो तो ये राष्ट्रपति बना देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका कार्यकाल तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है मैक्सिमम 65 वर्ष तक आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी पहले हो जाए 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। इसके अलावा अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य आयुक्त तो होता है इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि मैक्सिमम इसमें 10 आयुक्त तो हो सकते हैं कितने मैक्सिमम 10 आयुक्त तो हो सकते हैं ये चीज आप लोग ध्यान रखना है मतलब जरूरी नहीं 2 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं 6 भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 10 ही हो सकते हैं।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सीआईसी है वो पुनर्नियुक्ति उसकी नहीं हो सकती, मतलब दोबारा से उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है सीआईसी को, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, मतलब जो मुख्य सूचना आयुक्त तो होता है उसको दोबारा से नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये बहुत प्रमुख बात है। अगर हम देखिए बात करें इसके कार्यों की तो देखिए इसको सिविल न्यायालय के समान सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें दस्तावेजों को मंगाना, प्रकटीकरण करना, कोई आदेश है वो जारी करना, ओके ये सारी चीजें शामिल है। साथ में इसे आरटीआई 2005 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित शिकायतों की जांच करने का अधिकार भी इसके पास में होता है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर एक सेकंड में देख लेता हूँ। केंद्रीय सूचना आयोग आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो देखिए केंद्रीय सूचना आयोग है तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी, अगर हम संरचना की बात करें तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वर्तमान में इसमें 7 आयुक्त तो होते हैं, ओके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 10 हो सकते हैं, आप लोगों को पता है। देखिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुके, तो करंट नाम की कोई चीज नहीं होती है पॉलिटी में, आपको लगभग में 80% चीजें आप लोगों ने पढ़ के रखी है करंट में, सिर्फ आप लोगों के लिए पॉलिटी में सिर्फ 20% मिलता है। ये देखिए हम पहले ही पढ़ा करके रखे हुए हैं। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम पदमुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा ही पदमुक्ति की जाती है, जैसे मानवाधिकार आयोग है उसी तरह से इन मेंबर को भी हटाया जाता है और एक ही स्वतंत्र निकाय आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना। इसी तरह से राज्य सूचना आयोग भी होते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल सब चीज कर दीजिएगा और सारी चीजें क्या होंगी सेम ही होंगी और कोई चीज इसमें अलग नहीं है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके लेकिन देखिए राज्य सूचना आयोग में एक बहुत प्रमुख बात है जो आपको ध्यान रखना है कि देखिए इनका कार्यकाल, सेवा शर्तें और वेतन भत्ते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, जो राज्य सूचना आयुक्त में थोड़ा सा ध्यान रख लेना है और कोई इसमें मतलब कोई विशेष बात नहीं है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की जांच एजेंसी की अगर हम लोग बात करें, ओके तो भारत की विभिन्न जांच एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान है उसके गठन का सुझाव दिया गया है कि देखिए जो हमारी खुफिया एजेंसी है ये सब अलग अलग कार्य करती है तो इंटीग्रेशन जो समन्वय है वो अच्छा नहीं हो पाता, जिससे लोग हैं बच जाते हैं, भ्रष्टाचार कर देते हैं, साथ में जिसको हमला करना होता है आतंकवादी हमला करना होता है वो भी कर देता है आकर के आराम से। ऐसा करो जो हमारी सभी खुफिया एजेंसी है इनको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर दोगे तो ये जो डेटा है उसका अच्छे से साझा कर पाएंगे तो और ज्यादा सक्षम रूप से ये क्या कर पाएंगे समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, तो इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, क्षमता क्या हो जाएगी, एक तरह से बढ़ जाएगी, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके तो देखिए जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, ओके गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन सभी को एक छत के अंदर यानी कि इन सभी को एक छत के अंदर लाने की बात की गई है, स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान का गठन किया जाएगा और इसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह से आएंगे। अगर हम बात करें भारत में जांच एजेंसियों की तो सीबीआई के बारे में देखिए हम आप लोगों के लिए कई बार पढ़ा चुके हैं, एक बार देखिए सीबीआई के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर एनआईए है इधर तो सीबीआई होगा, सीबीआई हम आप लोगों के लिए अच्छा पहले ही पढ़ा दिए थे, सीबीआई है वो अभी हम आप लोगों के लिए पिछले लेक्चर में ही शायद पढ़ाए हैं तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं डाला था। चलिए सीबीआई के बारे में यहाँ पर ही देख लीजिए, वैसे ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं सीबीआई के बारे में। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम बात करें सीबीआई की तो इसकी जो स्थापना है 1963 में कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत की गई है, यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित है। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार की रोक के लिए संधानम समिति, हमेशा हम आप लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, संधानम समिति द्वारा की गई थी। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो सीबीआई का इसमें एक डायरेक्टर होता है जो इसका प्रमुख होता है सीबीआई का, सीबीआई आप लोगों को देखने को मिलेगा हमेशा न्यूज में रहती है, बंगाल में गई थी तो ममता बनर्जी ने सीबीआई वाले को थोड़ा सा खदेड़ करके भगा दिया था, बाद में फिर उस पर कार्रवाई हुई थी। सीबीआई के डायरेक्टर की
नियुक्ति प्रधानमंत्री और लोकसभा के जो विपक्ष का दल होता है उसका जो नेता होता है वो, यानी कि प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता और साथ में जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, ये तीन मेंबर मिलते हैं, एक समिति का गठन करते हैं। उन्हीं समिति के आधार पर यहाँ पर जो ये डायरेक्टर है इसका और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो डायरेक्टर की नियुक्ति है वो तीन सदस्यीय मेंबर के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें कार्यकाल की तो कार्यकाल है उसका दो वर्ष का होता है, लेकिन इसको विस्तारित तीन वर्षों के लिए, 3 ईयर्स के लिए इसको विस्तारित किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। यानी कि जो डायरेक्टर है 2 साल के लिए वैसे इसका कार्यकाल है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो 3 वर्ष के लिए विस्तारित कर सकती है। अगर हम देखिए इसके कार्य की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि देखिए इसका जो कार्य है गहन जांच करना, अभियोजन करना कि राज्य सरकारें हैं किसी मैटर को नहीं सुलझा पाती या फिर कोई हाई प्रोफाइल केस हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है भाई, सीबीआई के पास चला जाता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटना और आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना आप लोगों को देखने को मिलेगा। साइबर एवं एडवांस प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराधों को रोकने में सहयोग करना और जो सीबीसी है मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग है और जो लोकपाल है इसको सहायता प्रदान करना, यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर देखिए हम वही बात करें ईडी की, जो प्रवर्तन निर्देशालय है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें ईडी का, शायद मैंने वहां पर लगाया होगा, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम स्थापना की बात करें तो 1952 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसके अधीन है तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम देखिए इसकी संरचना की बात करें तो जो ईडी का जो डायरेक्टर होता है ना वो इसका प्रमुख आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका कार्यकाल है 2 वर्ष के लिए होता है और इसको भी 3 वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है, सेम चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत जो मामले होते हैं उनको ये देखती है, साथ में जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है उसको भी ये देखता है, धन शोधन निवारण अधिनियम है मतलब ब्लैक ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ऐसे जो चीजें हैं उनके ऊपर ये स्पेशली कार्य करता है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई और इम्पोर्टेंट चीज दे रखी होगी तो इनमें बहुत ज्यादा समय आप लोगों के लिए नहीं देना है। देखिए इसमें एक दिया रखा है गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के बारे में, थोड़ा सा दिया रखा है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2003 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इसकी स्थापना की थी। ओके, ये भी क्या है एक आप लोगों को सांविधिक निकाय देखने को मिलेगा, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसकी स्थापना आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो यही क्या होता है इसका प्रमुख भी होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, फॉरेंसिक ऑडिटर और कानूनी मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम कार्य की बात करें तो कंपनी कानून का जो उल्लंघन करने वाले आरोपियों को एक गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है, साथ में नीतियों और कानूनों के निर्माण में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को सहायता प्रदान करता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एनआईए की तो देखिए अगर हम एनआईए की बात करें तो देखिए यहाँ पर एनआईए के बारे में लिखा हुआ है, मैंने अभी हम लोगों को एक सेकंड दिखाया भी था। एनआईए के बारे में भी हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं लेकिन मैं दोबारा से यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। एनआईए का गठन है जो मुंबई में हमला हुआ था, फिर उसके बाद में एनआईए जैसी एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई, फिर अनन फनन में इसकी स्थापना की गई थी। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक अधिनियम है वो पारित किया गया था एनआईए एक्ट 2008 आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के तहत 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है वो आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा। सेकंड एआरसी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश पहले ही की जा चुकी थी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम इसके संगठन की बात करें तो इसमें एक महानिर्देशक होता है उसके अधीन आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेंगी और इसकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा, इस महानिर्देशक की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है।
आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वैसे इसमें बहुत ज्यादा आप लोग जानते होंगे इसका कार्य क्या है, आतंकवादी गतिविधियां हैं उनकी जांच करना, रोकथाम करना, ऐसे हमले उमले दोबारा ना हो, और अगर ऐसा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उसको रोकना। 2019 में इसमें एक संशोधन किया गया है और इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। अब ये मानव तस्करी, देखिए अगर आतंकवाद को रोकना है तो सिर्फ आतंकवाद को रोकने के लिए यही नहीं है कि आतंकवादी जो हथियार वथियार सप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को हम रोकें, बल्कि आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम हमले रोकना चाहते हैं तो उनकी जो सप्लाई चेन है उसको हमें डिस्टर्ब करना होगा, उनका कॉन्टेक्ट है उसको हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। जैसे कि हथियारों हथियारों के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो ये क्या करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, अफीम बेचते हैं, गैर कानूनी कार्य करते हैं, तो उनकी शक्ति भी इसको इसके पास में होगी, तो जो ये संस्थान है और ज्यादा सशक्त हो जाएगी ना। इसी वजह से मानव तस्करी, ये संशोधन करके इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया, तो मानव तस्करी हो गया, नकली नकली मुद्रा हो गया, साथ में जो हथियारों के निर्माण और बिक्री और जो साइबर अपराध हो गया, विस्फोट वाली सामग्री हो गई, इन सभी को भी इसके अंतर्गत ला दिया गया है। आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये जाँच है, NIA है, जो ये जांच है भारत के अंदर भी कर सकती है, भारत के बाहर भी कर सकती है, जो प्रमुख बात है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, और कुछ NIA के बारे में विशेष बात आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर NIA के बारे में, तो ये सारी चीजें अभी हम आप लोगों को बता दिए हैं, इसमें कोई और विशेष बात नहीं दे रखी, जितना इसमें दिया रखा है उससे ज्यादा ही आप लोगों के लिए बता दिया। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करें यहाँ पर CBI तीन तरह के मामलों की जांच करती है, तो CBI तीन तरह के मामलों की जांच करती है, जैसे कि जो भ्रष्टाचार विरोधी जो भी मामले होते हैं उनकी ये जांच करती है, और आप लोगों को देखने को मिलेगा इन अधिनियमों के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको पावर भी मिलती है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें विशेष अपराध की, तो विशेष अपराध क्या होते हैं, वे अपराध होते हैं जो राज्य सरकारों के अनुरोध पर या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर कोई मामले की जांच करते हैं वो विशेष अपराधों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराध क्या होते हैं, जैसे कि वित्तीय कोई धोखाधड़ी हो गया, कदाचार हो गया, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, काला धन यानी कि ब्लैक मनी हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, इससे संबंधित कोई भी मुद्दा हो। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि CBI आमतौर पर धन शोधन के जो मामले होते हैं, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, धन शोधन कहलाता है, तो धन शोधन वाले मामले हैं वो ईडी को ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि ईडी स्पेशली इसी पर वर्क करती है, तो इस मामले को अच्छे से वो निपटा सकती है, तो ईडी को ये मामले ट्रांसफर कर देती है धन शोधन वाले। स्वतः संज्ञान भी CBI ले सकती है, CBI केवल संघ शासित प्रदेशों में अपराधों की स्वतः संज्ञान की जांच कर सकता है। ध्यान रखिएगा जो चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है ऑप्शन में, जो CBI है वो स्वतः संज्ञान ले सकता है यूनियन टेरिटरी में से, लेकिन राज्य सरकारों में वो जांच तभी करेगा जब राज्य सरकारें हैं, जब वो सहमति दे देंगी, सहमति के बाद ही किसी राज्य में CBI जांच कर सकती है, जाकर के अपनी कार्यवाही आगे बढ़ा सकती है। अगर राज्य सरकार अगर तैयार नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकती CBI। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो राज्य की अनुमति के बिना भी CBI को ये अधिकार दे सकते हैं कि जाओ तुम जाकर के जांच करके आओ। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा CBI है वो पश्चिम बंगाल में जब गई थी तो ममता बनर्जी ने CBI को जांच नहीं करने दी, लेकिन वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर बोल दे तो ममता बनर्जी फिर कुछ नहीं भेजती, CBI जाएगी जांच करके आएगी और लताड़ करके भी आएगी 2000 को, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन केंद्र सरकार है वो ऐसा नहीं कर सकती, केंद्र सरकार है जब वो इस प्रकार का आदेश इसको देगी तो पहले राज्य सरकार की सहमति है वो लेगी, तब ऐसा किया जा सकता है। देखिए अगर हम बात करें CBC की, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ चीजें बता देते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो देखिए अगर इसकी स्थापना है तो वो आप लोग ध्यान रखना है। देखिए जो भ्रष्टाचार पर चीजें वाली हैं तो संतानम समिति आप लोग ध्यान रखा करिए, संतानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया है, ये ना ही एक संवैधानिक निकाय है ना ही एक वैधानिक निकाय है, बहुत प्रमुख बात है, बहुत प्रमुख बात है कि जो CBC है वो ना ही संवैधानिक है ना ही वैधानिक है ना ही सांविधिक है, सांविधिक और वैधानिक एक ही चीज होती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए एक अधिनियम पारित किया गया था 2003 में, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में स्थापना की गई थी,
तब आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ना ही संवैधानिक था, ना ही वैधानिक था, ना ही सांविधिक था। लेकिन एक प्रमुख बात है, अगर आप लोगों के पास में अगर आप कुछ बुकें पढ़ते हैं तो उनमें यही चीज दे रखी होती है, आगे की चीज नहीं दे रखी होती है। आप लोग देखने को मिलेगा कि 2003 में एक अधिनियम पारित किया गया, 2003 में अधिनियम पारित किया गया, तो अधिनियम पारित करके इसको वैधानिक निकाय में परिवर्तित कर दिया गया। कब? 2003 में, बहुत समय के बाद में इसको वैधानिक निकाय में परिवर्तित कर दिया गया। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि मूल रूप से जब इसकी स्थापना की गई थी तो एक ये वैधानिक निकाय था, जब इसकी स्थापना की गई तो ये वैधानिक निकाय नहीं था, लेकिन वर्तमान में क्या है, एक वैधानिक निकाय है। जब इसकी स्थापना की गई थी तो ना ही ये संवैधानिक था ना ही वैधानिक था, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है तब आंसर करना है। इसकी स्थापना किसी अधिनियम को पारित करके नहीं की गई थी, बाद में बहुत समय के बाद में एक अधिनियम को पारित करके इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें संरचना की तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें मैक्सिमम दो अन्य सदस्य होते हैं। अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन एक समिति के द्वारा नियुक्ति की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री है तो वो इसमें होते हैं, मंत्रालय में मंत्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसमें कार्यकाल की तो कार्यकाल है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 1 से 4 वर्ष का इनका कार्यकाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसके या फिर 65 वर्ष आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए कार्यकाल के पश्चात एक गवर्नमेंट के अधीन अपना पद ग्रहण नहीं कर सकते। एक सेकंड इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का आप लोगों को देखने को मिलेगा और 65 वर्ष है। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, तो इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का आप लोगों को देखने को मिलेगा और 65 वर्ष तक ही मैक्सिमम अपनी रह सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर कार्यकाल के पश्चात एक गवर्नमेंट के अधीन कोई भी पद है वो ग्रहण नहीं कर सकते। ओके, अगर पदमुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्ति की जाती है। ओके, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे हम पहले ऊपर देख चुके हैं वैसी सेम आप लोगों को इनकी भी देखने को मिलेगी। ओके, अगर हम इनके वेतन भत्ता की बात करें तो जैसे यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और जो मेंबर है, ओके, तो उसी तरह से सेम इनके भी अध्यक्ष और मेंबर की वेतन भत्ते होते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्रत्येक मंत्रालय है उसके अंदर एक सदरता आयुक्त है, उसकी नियुक्ति की जाएगी। ओके, अगर हम इसके संगठन की बात करें तो इसका एक अपना सचिवालय होता है, मुख्य तकनीकी परीक्षण शाखा होती है और विभागीय जांच शाखा होती है इसकी हेल्प के लिए, तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर भारतीय प्रेस परिषद के बारे में। अगर देखिए भारतीय प्रेस परिषद की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई हैं, वो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, आप लोगों को देखने को मिलेगा भारतीय प्रेस परिषद की। ओके, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो पीसीआई अधिनियम 1978 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ये वैधानिक निकाय है और साथ में अर्ध न्यायिक प्राधिकरण देखने को मिलेगा। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण क्या होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक ऐसा निकाय जिसमें सभी मेंबर जो होते हैं वो उसके न्यायिक नहीं होते हैं। ओके, कुछ मेंबर होते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ मेंबर होते हैं वो न्यायिक हो सकते हैं, कुछ मेंबर हो सकते हैं वो न्यायिक नहीं होते हैं, जैसे कि जज नहीं होते हैं। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर हम अर्ध न्यायिक निकाय उसको भी बोलते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके कुछ कार्य हैं वो न्यायिक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ कार्य होते हैं वो कार्यकारी प्रवृत्ति के होते हैं, वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये तो हम बात कर चुके थे। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 28 मेंबर इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए जो 28 मेंबर होते हैं इनमें से 5 मेंबर होते हैं ये संसद के द्वारा मनोनीत होते हैं। संसद के द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। इसमें से लोकसभा है उससे 3 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं? 2 मेंबर होते हैं। राज्यसभा से कितने होते हैं? 2 मेंबर होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 3 मेंबर क्या है वो लोकसभा से है और 2 मेंबर क्या है वो राज्यसभा से हैं। और ये क्या होते हैं? एक तरह से नामित होते हैं। नामित का मतलब क्या होता है? एक तरह से नाम निर्देशित किए जाते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, देखिए
अगर अध्यक्ष का चयन है वो लोकसभा का अध्यक्ष है और जो सभापति है, और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पीसीआई के जो मेंबर हैं वो किसी एक मेंबर को चुन के देते हैं, तो ये मिलकर के टोटल हो जाते हैं 3 मेंबर। इसी समिति के द्वारा बताया जाता है कि भाई कौन इसका एक तरह से मेन होगा। ओके, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगा। तो कौन अध्यक्ष और सभापति और साथ में जो ये निकाय है इसके मेंबर चुन करके एक मेंबर देंगे, 3 मेंबर मिलते हैं। फिर मिलकर के जो इनका जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करते हैं। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। अगर हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य है प्रेस का, ये प्रेस का प्रहरी होता है प्रेस के लिए, और प्रेस के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा साथ में नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए ये काम वो करता है। अगर उनके खिलाफ कोई चीज होती है, शिकायत विकायत दर्ज की जाती है, वो सारे कार्य करता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नेंस या अभिशासन के महत्वपूर्ण पहलू की बात करें, तो इसमें देखिए शहरी आप लोगों को देखने को मिलेगा, शहरी स्थानीय निकाय। तो देखिए जो शहरी स्थानीय निकाय है तो देखने को मिलेगा, जो दिल्ली है ना, दिल्ली है, इस दिल्ली में पहले 3 आपको निगम देखने को मिलेंगे। अब 3 निगम को मिला करके एक ही निगम है, अब उसकी स्थापना की जाएगी। तो देखिए जो नगर निगम है, पहले इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 3 भागों में दिल्ली बटा हुआ था। अब जो 3 भागों में दिल्ली बटा हुआ था, नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ में, इस तरह से दिल्ली पहले बटा हुआ था। अब इस दिल्ली को क्या की कर दिया गया है, ये जो 3 नगर निगम थे इनको मिला करके एक नगर निगम ही बना दिया जाएगा। ओके, एक नगर निगम बना दिया जाएगा। ओके, तो इसी वजह से दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 है पारित किया गया है। इसके माध्यम से दिल्ली के तीन तीन निगमों को, मतलब जो नगर निगम है उनको मिला करके एक एक नगर निगम की स्थापना की जाएगी। ओके, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा नगर निगम की स्थापना कहाँ की जाती है। नगर निगम की स्थापना है जहाँ 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होती है, 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होती है वहां पर नगर निगम की स्थापना की जाती है सामान्यता। ओके, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर दिल्ली नगर निगम जो ये संशोधन अधिनियम 2022 लाया गया है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन करेगा। ये संशोधन किसमें किया जाएगा, इस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के द्वारा अधिनियम में 2011 से पहले के उस संशोधन को पूर्णतः निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा दिल्ली नगर निगम को 3 अलग-अलग नगर निगमों में विभाजित किया गया था, जैसे कि उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि इस विभाजन को सर्वप्रथम 1987 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति थी, बाल कृष्ण समिति की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। 2001 में इसको फिर से एक तरह से दोबारा से इस बात को दोहराया गया था बीरेंद्र प्रकाश समिति के द्वारा। तो ये थोड़ा सा समितियों का नाम है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत संविधान को किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है वो देता है, जिसमें ऐसे विषय भी शामिल हैं जिन पर विधानसभा है वो नियम कानून बना सकती है। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। देखिए, अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये संशोधन अधिनियम लाया गया है, तो इसमें इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, नंबर 1, नए निगम में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 250 मेंबर से अधिक नहीं होनी चाहिए मेंबर की संख्या इस नए निगम में, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना है। दूसरा है यह केंद्र सरकार को अलग अलग मामलों जैसे विनियम बनाने, नियम निगम द्वारा ऋण के समेकन की मंजूरी देने आदि के निर्धारण का अधिकार देता है। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा एमसीडी कमिश्नर को केवल केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही बनाया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, केवल और केवल केंद्र सरकार के प्रति है वो जिम्मेदार रहेगा। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेहतर उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन के लिए कभी भी कहीं भी के आधार पर नागरिक सेवा हेतु ई गवर्नेंस प्रणाली की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसमें स्थानीय निकायों को निर्देशक से संबंधित प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह है केंद्र सरकार को एकीकृत एमसीडी की प्रथम बैठक होने तक निगम की शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक विशेष
अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार भी प्रदान करता है, जो इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, एक बार देख सकते हैं आप लोग। फिर भी कभी कभार ऑप्शन में अगर भूला भटका आ जाएगा तो आप लोग लगा दीजिएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। नगर निगम भारत में, नगर निगम भारत में शहरी स्थानीय स्तर पर संचालित सरकार का एक स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो अभी हम आपको बताए 10 लाख से अधिक जो पॉपुलेशन होती है ऐसे महानगरों में इसकी स्थापना की जाती है। ओके, देखिए अगर हम बात करें महानगर, तो देखिए इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा महानगर पालिका, नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, और नगर निगम परिषद, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो सबसे पहले नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था, सन वन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे वैसे 1688 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, और 1726 में मुंबई और कलकत्ता है उसमें भी स्थापित किया गया था। ओके, तो पहला वाला आप लोगों को ध्यान रखना है मद्रास वाला, तो मद्रास है जहां पहला नगर निगम स्थापित किया गया था भारत में। फिर दूसरे नंबर पर मुंबई, तीसरे नंबर पर कलकत्ता देखने को मिलेगा। लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का फादर बोला जाता है, पिता बोला जाता है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए स्थानीय स्वशासन के लिए ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वां है वो ग्रामीण स्तर पर, वही 74वां है वो आप लोगों को शहरी स्तर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो शहरी स्तर के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर भाग 9A जोड़ा गया था। तो देखिए भाग 9 है वो किससे संबंधित है, वो ग्रामीण प्रशासन संबंधित है, 9A है वो शहरी प्रशासन संबंधित है, 9B है वो आप लोगों के लिए सहकारी समितियों से संबंधित देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग जानते होंगे इन चीजों को। अगर हम बात करें जो ये स्थान जो नगर निगम होते हैं, जो स्थानीय जो होते हैं, इनको पैसा वैसा कहाँ से आता है, तो देखिए पैसा वैसा राजस्व के स्रोत की बात करें तो संपत्ति कर, जल कर, पेशेवर कर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ड्रेनेज टैक्स होता है, ये राज्य द्वारा जो सहायता प्रदान की जाती है वो इनके क्या होते हैं, स्रोत होते हैं राजस्व के। भैया पैसा वैसा खर्च करने के लिए कहाँ से आएगा, तो ये चीज आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन की पद्धति की, मैंने देखिए यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन डाला होगा कहीं पर, ये देखिए 74वां संविधान संशोधन है, ये आप लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये PDF आप लोगों के लिए हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। देखिए जो चीज इसमें दे रखी होती है वो सारी चीजें हम देखिए, जैसे अभी हम आपको पढ़ाए थे मद्रास वाला, मुंबई कोलकाता वाला, सारी चीजें हम पहले से पढ़ा करके रखते हैं। और यहाँ पर 12वीं अनुसूची है उसमें कौन कौन से विषयों को जोड़ा गया है, तो देखिए आप लोगों को नगरीय योजना हो गई, भूमि उपयोग हो गया, आर्थिक सामाजिक विकास हो गया, सड़क पुल हो गया, जल प्रबंधन हो गया, अग्निशमन सेवाएं हो गई, नगर जो नगर वानिकी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, कमजोर हित हैं, कमजोर वर्गों के हित हैं, निर्धनता उन्मूलन है, जो कागजी हाउस है आप लोग, काजी हाउस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सब गृह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीजें हैं इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हायरार्की होती है, तो ये भी चीज आप लोग देख सकते हैं, जो सारी चीजें हैं महामैराथन क्लास में दोबारा से बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। देखिए 12वीं अनुसूची, देखिए एक भाग जोड़ा गया था संविधान संशोधन के द्वारा, भाग 9A, साथ में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, जो 18 विषय इधर मैंने लिख दिए हैं। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, और कुछ विशेष बात इसमें नहीं है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैग के बारे में। कैग है वो बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। देखिए कैग न्यूज में क्यों है, तो कैग ने अपनी शक्तियों का विस्तार करने की बात की गई है। कैग बोल रहा है कि अब हम पंचायती राज यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है उस स्तर पर भी अब हम अपनी शक्तियों का उपयोग किया करेंगे। जैसे पंचायती राज संस्थानों की लेखा परीक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी शक्तियों को विस्तार करने की बात की है, यानी कि जिला स्तर पर भी कैग ने अपनी शक्तियों का विस्तार करने की बात की गई है, इसलिए न्यूज में आ गया, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कैग की बात करें तो वो ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय, ये सांविधिक निकाय नहीं है। कैग क्या है, एक संवैधानिक निकाय आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम कैग की बात करें तो देखिए कैग है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैग से अक्सर क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोक वित्त का इसको संरक्षक भी बोला जाता है, भाग 5 में अनुच्छेद आप लोग देख सकते हैं, अध्याय 5 में इसका आप लोगों को वर्णन देखने को मिलेगा। आर्टिकल 148 है उसमें इस पद की चर्चा की गई है। अगर हम बात करें योग्यता की, तो संविधान में इसकी योग्यताएं नहीं बताई गई है, सबसे प्रमुख बात है। इसके लिए कैग अधिनियम 1971 लाया गया, इसमें बताया गया कि क्या क्या इसकी योग्यताएं होंगी, जो कि हम मैराथन क्लास में देखेंगे। नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगर हम पदमुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा ही पदमुक्ति की जाती है, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जो एक पूरी प्रक्रिया होती है महाभियोग जैसी,
वो प्रक्रिया के माध्यम से भी इस व्यक्ति को हटाया जाता है। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष और 65 वर्ष आप लोगों को देखने को मिलेगी। 6 वर्ष का मतलब है 6 वर्ष तक वो रह सकता है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम आयु है वो 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेतन की बात करें तो संसद द्वारा डिसाइड किया जाता है। संसद ने डिसाइड किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जितना वेतन भत्ता जो भी होगा वो तुमको भी मिलेगा बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर प्रमुख की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लेखा परीक्षण और लेखा विभाग है उसका एक प्रमुख भी होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर इसकी कार्य शक्तियों के बारे में बताया गया है। अगर हम ये सारी चीजें बताएंगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लेखा परीक्षाओं पर 3 रिपोर्ट जारी करता है, जैसे विनियोग लेखाओं पर, वित्त लेखाओं पर, सरकारी उपक्रमों पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, देखिए विनियोग लेखाओं पर जो संसद के जो खर्च की स्वीकृति दी गई है, वास्तविक खर्च कितना है उसके डेटा को दिखाता है। साथ में वित्त लेखाओं में केंद्र की जो प्राप्तियां होती हैं, केंद्र के द्वारा जो अदायगियां हैं उनका डेटा जो होता है उनका विवरण होता है वो शामिल किया जाता है। और सरकारी उपक्रम की जो रिपोर्ट होती है उसमें सरकारी जो भी मशीनरी है, जैसे कि जो भी उपक्रम है, उनका लेखा परीक्षण इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए लेखा परीक्षण है वो 2 प्रकार से करता है, तो ये सारी चीजें आप लोग जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो हम आप लोगों को बताएंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए ये अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और तैयार करने के बाद में राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है। अब राष्ट्रपति राज्यपाल है, इसकी रिपोर्ट को संसद को दे देता है, तो संसद इस पर विचार करती है। तो संसद विचार करने के लिए इसे लोक लेखा समिति के पास में भेज देती है। तो लोक लेखा समिति है वो कैग की रिपोर्ट पर विचार करता है, लेकिन कैग है वो लोक लेखा समिति या संसद को अपनी रिपोर्ट नहीं देता है, बल्कि राष्ट्रपति कैग अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को देता है। राज्यपाल है फिर वो विधायिका को देता है, यानी कि संसद या फिर राज्य की जो विधायिका होती है, विधानमंडल होता है, उसको पेश किया जाता है। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा संसद है वो इस पर विचार करने के लिए लोक लेखा समिति के पास भेज देती है कि आप इसकी जांच करिए। तो लोक लेखा समिति है वो इस पर विचार करती है, और विचार करने के पश्चात वो संसद को इसको लौटा देती है। फिर बाद में इस पर जो भी विचार विमर्श चलना होता है फिर वो संसद के अंदर चलता है। लोक लेखा समिति के बारे में अगर बात करें तो इसमें देखिए जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है परंपरा के अनुसार। इसमें सदस्य होते हैं लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के आप लोगों को इसमें सदस्यों की संख्या 22 आप लोगों को देखने को मिलेगी, और आप लोगों को इसमें अध्यक्ष है वो विपक्ष का नेता होता है परंपरा अनुसार। तो देखिए कैग के बारे में था, तो आप लोगों का एक ह्यूज रिवीजन भी हो गया होगा। तो इसी तरह से हम सारी चीजें आप लोगों के लिए पढ़ा देते हैं, और कुछ इसमें विशेष बात इसमें नहीं दे रखी है। ओके देखिए, ओके तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक जो यहाँ पर इधर एक चीज है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कैग है वो क्या करता है कि भारत की जो संचित निधि होती है उससे जो धन लिया जाता है उस पर निगरानी रखते हैं। लेकिन जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय जो खर्च करते हैं पैसा वो संचित निधि से प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि राज्यों के द्वारा अनुदान दिया जाता है, साथ में अन्य स्रोत होते हैं उनके माध्यम से वो व्यय करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरह से एक अलग खाता, जो राजकोष या फिर बैंक में एक अकाउंट खोला जाता है, उस अकाउंट में पैसा रखा हुआ होता है, उसी पैसे का उपयोग है स्थानीय निकाय करते हैं। तो अब क्या करेगा जो कैग है वो भारत की संचित निधि है उसकी तो जांच करेगा ही करेगा। अब उसने कहा है हम इसकी जांच भी किया करेंगे, क्योंकि जो स्थानीय निकाय है वो बैंक या फिर राजकोष है उसमें दिए गए खाते जो होते हैं अलग खाते हैं उन्हीं से धन प्राप्त करते हैं, तो अब इसकी भी जांच करने के लिए इसने बोला है। ओके ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार कैग ने अब सभी सरकारी खर्चों की निगरानी के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का फैसला किया है, भले ही व्यय के लिए धन संचित निधि से या राजकोष से निकाला गया हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्ति और सेवाओं की अधिनियम 1971 के तहत लेखा परीक्षक के दायरे में है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर भारत में स्थानीय स्वशासन के ऑडिट का विकास क्रम क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें इसके, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे थोड़ा सा, क्योंकि ये इस बार पता नहीं है विजन 365 कैसे बनाए हैं, इतना धुंधला कि PDF निकालते हैं ना उसमें भी ऐसे एकदम आंख गड़ा करके देखना पड़ता है। जो ये छोटा छोटा लिखा हुआ है ना बहुत ज्यादा छोटा है, फोटो कॉपी में क्लियर नहीं आता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका गठन पहली बार 1880 में नगर पालिकाओं और स्थानीय विधियों के खातों की लेखा परीक्षा हेतु किया गया था। लेखा परीक्षा का काम
वित्त विभाग के एक अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे महालेखाकार के कार्यालय से जुड़े स्थानीय खातों के लिए लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें रिपन का रेजोल्यूशन 1882, तो रिपन का रेजोल्यूशन है वो आया था जिसने आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्थानीय स्वशासन की योजना द्वारा नगर पालिका संस्थाओं का विकास किया था जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश राज के नियंत्रण में पहले थी। अगर हम 1921 के सुधार की बात करें तो इस स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा को एक प्रांतीय विषय बनाया गया था। यहाँ पर क्या बन गया, प्रांतीय विषय बन गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद। लेखा परीक्षा और लेखांकन का कार्य है राज्य के कानून के प्रावधान के अनुसार किया जाना तय किया गया था कि भैया जो जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन की जो भी लेखा परीक्षाएं करनी है, जो भी चीजें करनी है, वो किसके अंडर में होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होगी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो देखिए ये वाला जो महत्वपूर्ण है, ये वाला आप लोगों को ध्यान रखना है। ऊपर के बस एक बार ऐसी रफली वे में पढ़ लीजिएगा। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम स्थानीय स्वशासन की बात करें तो 1992 में आप लोगों को देखने को मिलेगा दो संविधान संशोधन अधिनियम है वो पारित किए गए थे 73वां 74वां, जैसे अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो संघीय ढांचे का तीसरा लेवल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा स्थानीय स्वशासन है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अनुच्छेद 243J किसी राज्य का विधानमंडल कानून के माध्यम से पंचायतों द्वारा खातों के रख रखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकता है। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा 243 है वही सेम व्यवस्था है नगर पालिका के संबंध में करता है। ओके, अगर हम बात करें भारत में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण की बात करें कि जो भी रिकॉर्ड है, जैसे आपकी घर है, प्लॉट है, आपका बगीचा है, बागान है, खेत है, इनका जो डेटा है वो अभी तक कागजों पर होता है जिसमें बाद में विवाद बहुत बढ़ जाते हैं और कागजों के गुम हो जाने पर या कुछ हो जाने पर उसका एक तरह से क्रॉस चेकिंग नहीं हो पाता है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और विवाद भी उत्पन्न होते हैं। तो इसके जो जो भी रिकॉर्ड है उसको डिजिटल रूप से रखा जाएगा, तो डिजिटल रूप से रखा जाएगा तो बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है, मतलब तो लंबे समय तक नहीं, जब तक रखना है तब तक रख सकते हैं। जो भी हस्तांतरण होता है तो वो क्या होगा, डिजिटल रूप से होगा तो उसमें स्पष्टता होगी। ओके, क्योंकि कागजों में क्या हो जाता है, समस्या आ जाती है और साथ में ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई भी कहीं से एक्सेस कर सकता है, जांच करनी है, कोई भी चीज कर रहा है, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो बोला गया अब जो भी रिकॉर्ड होगा, सभी घर मकान है, घर मकान, दुकान, खेत, बगीचे सब है, उनको क्या किया जाएगा, डिजिटल रूप से रखने की बात की गई है। भारत में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से स्थानीय सर्वर स्थापित करने की बात की गई है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, और इसमें कोई बहुत विशेष बात इसमें नहीं दे रखी है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे सरकार डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत, ये कार्यक्रम का नाम आप लोग ध्यान रख लीजिए, के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रही है। ये चीज आप लोग देखने को मिलेगा। जो सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखने को मिलेगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक क्रियान्वित किया जा रहा है। किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक क्रियान्वित किया जा रहा है। ओके, अगर हम बात करें कि इसके बारे में, तो 2016 में जो ये योजना है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था 2016 में, जो अभिलेखों के डिजिटलीकरण की बात की जा रही है। ओके, इसके तीन प्रमुख घटक देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना, साथ में सर्वेक्षण और पुनर्सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षण के बाद फिर से सर्वेक्षण जाकर के करना, पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण करना। तो ये चीजें आप लोग देखने को मिलेंगी। भारत में भूमि के स्वामित्व को कैसे मान्यता दी जाती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट। देखिए जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें भूमि धारक का नाम होता है, भूखंडों की संख्या के बारे में बताया जाता है, साथ में आप लोग देखने को मिलेगा उनका आकार कैसा है, तो उसके डेटा होता है, जो राजस्व दर है, जैसे विवरण होते हैं वो उनके माध्यम से देखा जाता है कि ये व्यक्ति है, ये भूमि का स्वामी है। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा पंजीकृत बिक्री विलेख देखने को मिलेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है जब अपनी भूमि को बेचता है तो बेचने के पश्चात एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होते हैं, बाकायदा जाकर के तहसील में जाकर के आपको मोहर लगानी पड़ती है, सब हाथ के पंजे आपको देने पड़ते हैं, तो उससे भी प्रूव होता है कि आप क्या है, भूमि के स्वामी है।
आपने खरीदा है, भूमि का ट्रांसफर हो चुका है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट है वो सर्वेक्षण कराती है, तो सर्वेक्षण के दस्तावेजों के अनुसार भी देखा जाता है कि ये भूमि बहुत लंबे समय से किसके पास में थी, तो भूमि विवादों का इससे भी निपटारा किया जाता है और ये भी पता लगाया जाता है इस भूमि का स्वामी कौन है। इसके अलावा संपत्ति कर की रसीद, आपने कभी इस भूमि पर आप संपत्ति कर देते होंगे तो वो रसीद दिखाइए, इससे प्रूव कर सकते हैं भूमि क्या है, हमारी है। ओके, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो अन्य उपाय किए जा रहे हैं तो वो कौन कौन से है, राष्ट्रीय समान दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली है वो प्रारंभ की जा रही है। यह पंजीकरण प्रणाली के लिए NIC द्वारा विकसित एक इन हाउस उन्नत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा विशिष्ट भूखंड पहचान प्रणाली आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें 14 अंकों की एक पहचान प्रणाली है वो दी जाती है किसी भूमि की, जो देश में प्रत्येक भूखंड को आवंटित की जाती है। यह संख्या भूखंड के कोनों के भू संदर्भ निर्देशकों पर आधारित होती है। भू नक्शा आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए भू नक्शा होता है उसके माध्यम से भी भू नक्शा है, सैटेलाइट के माध्यम से भू नक्शा बनाया जाता है, तो उसके माध्यम से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिजिटलीकरण करने की बात की जा रही है। स्वामित्व और गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, इस योजना का भी उद्देश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ड्रोन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये सर्वेक्षण किया जाता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके अलावा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में रिकॉर्ड ऑफ राइट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। देखिए राज्य स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि भूमि परियोजना है ये केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एक परियोजना चलाई जा रही है, कर्नाटक गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य कर्नाटक में कागजी भूमि अभिलेखों है, कागज पर जो अभिलेख है उसको डिजिटलाइज करना इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। वही तेलंगाना में भी इसी प्रकार की एक योजना चलाई जा रही है, सेम जिसको बोलते हैं धरनी, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी सेम वही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण की बात करें कि देखिए जो 17 सतत विकास के लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हैं जो आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग भी जाकर के जरूर देखिएगा कि 17 गोल कौन से हैं, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं रुक तो नहीं गई किसी कारणवश। ओके, अभी रिकॉर्डिंग एकदम बढ़िया चल रही है, तो चलिए। ओके, एक सेकेंड में यहाँ पर देख लेता हूँ। ओके, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण करने की बात करें, तो यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हैं, इनके स्थानीयकरण से गरीबी उन्मूलन है, असमानता है उसको कम करना, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना और 2030 तक जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हैं वो निर्धारित किए गए थे, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल का स्थानीयकरण है, तो SDGs की प्राप्ति में उपराष्ट्रीय संदर्भों को ध्यान में रखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं, जैसे स्थानीय विकास नीति के लिए एक ढांचा प्रदान करने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उपयोग करना। ओके, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इससे फायदा क्या है, इसका स्थानीयकरण करने से, लोकलाइजेशन करने से इसका फायदा क्या है आप लोगों को देखने को मिलेगा। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद है वो बढ़ेगा, विभिन्न स्तरों पर सरकारें अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती हैं, स्थानीयकरण प्रत्येक स्तर को अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है, इससे राज्य स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है, स्थानीयकृत समाधान आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक ही नियम सब चीजों पर लागू नहीं हो सकता है, हर जगह की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, अपना अपना पोटेंशियल होता है, इनकी अपनी अपनी क्षमता होती है, तो सभी पर हम सेम नियम है वो भारत के हर हिस्से पर नहीं लगा सकते। कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है तो हम बोले कि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर
पहाड़ी क्षेत्रों में हम बोले कि हर हर जगह हम जो भी भारत में हर जगह हम जो बाटर एक तरह इनलैंड बाटर भी है हम वो विकसित करेंगे। अब इनलैंड बाटर भी है वो मैदानी क्षेत्रों में तो विकसित किया जा सकता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे विकसित किया जा सकता है बताइए आप, नहीं किया जा सकता ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग देखने को मिलेगा जब एक परियोजना बनाई जाएगी तो हम क्या करेंगे, अलग अलग चीजें करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में हम क्या लगाएंगे, उड़न खटोला लगाएंगे। उड़न खटोला लगाना आसान है, उड़न खटोले के माध्यम से हम परिवहन है वो सस्ता होता है, सड़कें बनाने भी महंगी होती है, लेकिन उड़न खटोला लगाना क्या हो जाता है, एक बार कॉस्ट आता है फिर उसके बाद में परिवहन लागत भी कम हो जाती है और बहुत सारी आसानियां भी हो जाती है। तो ये चीज, अब मैदानी क्षेत्रों पर उड़न खटोला क्यों लगाएंगे, तो वहां पर रोड बना देंगे, रोड बनाना सबसे सस्ता है, रेल मार्ग बिछाना सबसे सस्ता है, और साथ में जहां पर नदियां होंगी तो वहां पर हम कैनाल को आपस में जोड़ करके हम इनलैंड वाटर वे है वो भी विकसित कर लेंगे। तो इस वजह से तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई इससे ये भी प्रॉफिट होगा कि अपनी अपनी समस्याएं अपने अपने पोटेंशियल को देखते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात यहाँ पर की जाएगी। सरकार की क्षमता में सुधार भी आएगा, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुधार भी आएगा जैसा अभी हम आप लोगों के लिए बताएं। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। देखिए यह पहचान करना कि स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों की बॉटम अप कार्यवाहियों SDG की प्राप्तियों का समर्थन कैसे करती हैं, ये भी आप लोगों को इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के क्रियान्वयन हेतु समग्र समन्वय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जिसको शॉर्ट में नीति आयोग बोलते हैं, का विकास है वो किया गया है, मतलब गठित की गई है। आप लोगों को देखने को मिलेगा दो अधिदेश हैं कौन कौन से, भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंगीकरण निगरानी और निरीक्षण करना, इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बीच में प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, इसके लिए नीति आयोग के 2018 में वार्षिक SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स का शुभारंभ किया गया है। अब देखिए जो इंडेक्स है वो जारी किया जाएगा, तो पता चलेगा ना कि कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है वो अच्छा कार्य, कौन सा राज्य है वो अच्छा कार्य कर रहा है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पंचायती राज्य मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान के साथ इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य पंचायती राज्य संस्थानों के माध्यम से SDG के स्थानीकरण के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना में सहयोग प्रदान करना, इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से पहचाने गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के संबंध में कार्रवाई कर रहा है। इसमें संबंधित SDG को प्राप्त करने के लिए अलग अलग योजनाओं को सम्मिलित करके भागीदारी पूर्ण नियोजन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में इस प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करना है। इसमें शामिल है आर्थिक विकास प्राप्त करना और जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय है वो सुनिश्चित करना आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं बात करें यहाँ पर स्पोर्ट्स गवर्नेंस की, मतलब खेल अभिशासन की अगर हम लोग बात करें, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इतना नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मामले पर सुनवाई करते हुए प्रशासकों की समिति को भंग कर दिया। देखिए प्रशासकों की समिति के गठन की बात भी कोर्ट ने ही की थी, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जैसे ही इस समिति प्रशासकों की समिति का गठन करने की बात की गई थी, आप लोगों को देखने को मिलेगा फीफा परिषद ब्यूरो ने हमारी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसको बैन कर दिया गया था। बैन क्यों कर दिया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो खेल नियम है उनके अनुसार कि तभी वो संस्थान भाग ले सकता है जब वो संस्थान स्वतंत्र हो, किसी के अंडर ना आता हो। अब देखिए जो प्रशासकों की समिति के अंडर इसको ला दिया गया, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये स्वायत्त निकाय कैसे रहा, ये स्वायत्त निकाय नहीं रहा। इस वजह से फीफा जो परिषद थी उसने बैन कर दिया था इसको, तो बैन हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस समिति को समाप्त कर दिया है।
तो जो फीफा परिषद है उसने भी इसके ऊपर बैन जो लगा हुआ था वो बैन भी हटा दिया। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें खेल संहिता की, तो खेल संहिता की बात करें तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कानूनी स्थिति, तो यह साझेदारी फर्म के स्वामित्व की वजह स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत निकाय होना चाहिए। देखिए, स्वैच्छिक रूप से क्या होना चाहिए, पंजीकृत निकाय होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तरह से स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत निकाय होना चाहिए और किसी के अंडर ना आता हो। तो देखिए, इसी वजह से बैन भी लगाया गया था जो अभी हम आपको बताएं। दर्जा और मान्यता की बात करें, इसे मुख्य खेलों के लिए सर्वोच्च निकाय होना चाहिए। सर्वोच्च निकाय होगा तभी तो किसी के अंडर में नहीं आएगा ना, सर्वोच्च निकाय होना चाहिए। साथ ही इसे अंतरराष्ट्रीय या एशियाई फेडरेशन और आईओए से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ में आप लोग देखने को मिलेगा आंतरिक आवश्यकताएं, लिखित संविधान होना चाहिए, 3 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए, तथा कम से कम 2/3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में समृद्ध इकाई इसकी होनी चाहिए। तो ये चीजें आप लोग देखने को मिलेगा। चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव है वो निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें आयु और कार्यकाल की सीमा की, तो सभी पदाधिकारियों के लिए मतलब इसके अंदर जो जो भी प्राधिकरण होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो भी पदाधिकारी हैं उनकी अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए। मतलब अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 70 वर्ष, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा पदाधिकारियों के कार्यकाल का भी नियमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अध्यक्ष के लिए अवकाश लेने और ना लेने पर भी 12 वर्ष का कार्यकाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व की अगर बात करें, संगठन में मुख्य खिलाड़ियों को सदस्य के रूप में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा कार्य और अगर हम लेखा की बात करें, कार्यालय और लेखा की बात करें, तो दिल्ली में इसका एक कार्यालय होना चाहिए। साथ ही सभी वार्षिक वित्तीय विवरणों का उचित लेखा जोखा बनाए रखा जाना चाहिए। अगर हम अन्य की बात करें, तो वही जो निष्पक्ष पारदर्शिता, जो चयन प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। सभी खिलाड़ियों का नियमित डोपिंग टेस्ट है वो किया जाना चाहिए। आयु संबंधी धोखाधड़ी को रोका जाना चाहिए। आरटीआई का पालन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ओके, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ओके, देखिए अगर हम बात करें यहां पर इससे संबंधित और सारी चीजों की, तो प्रशासकों की समिति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने की थी, जो अभी हम आपको बताए जिसको अभी समाप्त कर दिया है, की थी। इस समिति का कार्य है वो जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जिसको AIFF बोलते हैं, के मामलों का प्रबंधन करना, साथ ही से राष्ट्रीय खेल संहिता और आदर्श दिशा निर्देशों के अनुरूप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के संविधान का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया था। ओके, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही समिति का गठन किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो एक कोड है मतलब संहिता है वो तैयार करना, खेल संहिता, साथ में जो संविधान का विकास किया जाना है उसका निर्माण करना। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। संविधान, हमारे देश का संविधान मत सोचिएगा, संविधान से तात्पर्य है कि जो खेल संहिता है, एक तरह से जो उसके नियम कानून है उसको बनाने की बात की जाती है। ओके, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगा। आईएएफएफ मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर लगे निलंबन को समाप्त करने के लिए फीफा ने यह अनिवार्य शर्त रखी कि COA को भंग किया जाए। ओके, इसका कारण यह था कि इस समिति का AIFF के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण था। अब देखिए, जब नियंत्रण हो गया तो ये स्वैच्छिक निकाय कैसे बचा, स्वतंत्र निकाय कैसे बचा, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, प्रशासन में किसी तीसरे पक्ष के अनुचित अनुचित प्रभाव को देखते हुए फीफा ने इसे निलंबित कर दिया था। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को फीफा कानून का गंभीर उल्लंघन माना गया था। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें भारत में निरीक्षण की प्रक्रिया और डायरेक्शन के समान तौर पर दो पक्ष हैं। ओके, अगर हम बात करें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, इसके अधीनस्थ संगठन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओलंपिक चार्टर के तहत
आने वाले खेल संगठन जैसे कि भारतीय ओलंपिक संघ जो आप लोगों को IOA देखने को मिलेगा, राज्य ओलंपिक संघ जिसको SOA बोलते हैं, राष्ट्रीय खेल संघ जिसको NSF बोलते हैं, क्रिकेट जैसे गैर ओलंपिक खेलों से संबंधित संगठनों का उनसे संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्रत्यक्ष संबंध आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर IAS अधिकारी की, तो IAS अधिकारी है इसमें इस्तीफा और पुनर्बहाली। तो अभी रिसेंटली एक IAS ऑफिसर हैं उनकी पुनर्बहाली की गई है, मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो फिर से उनको पोस्ट पर लाया गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा न्यूज में आ गया है। तो अखिल भारतीय सेवाएं IAS IPS और IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाली जो सेवाएं होती हैं उनको अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके लिए एक अधिकारी इस्तीफा जो देता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ये अधिनियम है ना इसी का नियम जो दिया रखा है रूल दिया रखा है रूल 5(1) है इसके द्वारा शासित होता है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अन्य केंद्रीय सेवाओं वो चीज आप लोगों को याद नहीं रखनी है, आप लोगों को देखने को मिलेगा अन्य केंद्रीय सेवाओं से संबंधित अधिकारियां हैं जो अधिकारी हैं तो केंद्रीय सेवाओं से संबंधित अन्य अधिकारी वो भी इसी प्रकार से इस्तीफा देंगे। अगर हम बात करें मतलब इसी के अनुसार हैं वो इस्तीफा देंगे। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर इस्तीफा प्रस्तुतिकरण के बाद, तो अगर कोई व्यक्ति है मतलब कोई व्यक्ति नहीं मतलब जो भी ऑफिसर है IAS IPS IFS है वो अगर अपना इस्तीफा देता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस्तीफा है तो जनहित में उसके इस्तीफे को वापस भी लेने की अनुमति है वो दी जा सकती है केंद्र सरकार के द्वारा। यानी कि केंद्र सरकार के किसी अधिकारी को जनहित में अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है। ओके, कोई भी अधिकारी अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया है जो भी समक्ष प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति से पहले उसे वापस लेने की कोई लिखित सूचना भेज देता है तो वो इस्तीफा होता है स्वतः समाप्त हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, जैसे आप IAS बन गए, आपने इस्तीफा दे दिया लेकिन आप लोगों ने देखने को मिलेगा जैसे इस्तीफा पहुंच गया है उस व्यक्ति के पास में लेकिन अभी इस्तीफा है उसको स्वीकृति नहीं मिली है और आपने दोबारा मूड रात में जाकर के बदल गया, बोले कि नहीं अब हम IAS ही रहना चाहते हैं, आपने दूसरा एक लेटर लिखा वो लेटर भेज दिया जाकर के, लेटर भेज दिया तो वो क्या हो जाता है इस्तीफा स्वतः समाप्त हो जाता है, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि लेटर अब जब अनुमति मिलेगी तभी वो समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है, लेटर आपने भेज दिया बस सफिशिएंट है। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, देखिए आखिर IAS अधिकारी ही वो अपना इस्तीफा किसको देगा, तो इस्तीफा है राज्य में सेवारत अधिकारी के मामले में। अगर कोई IAS अधिकारी है वो राज्य में कार्य कर रहा है, राज्य के अंदर कार्य कर रहा है किसी स्टेट में, मतलब DM UM है या फिर उससे ऊपर का कोई आप लोगों को देखने को मिलेगा पद पद पर है आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो राज्य के प्रमुख सचिव आप लोग देखने को मिलेगा राज्य के प्रमुख सचिव के समक्ष अपना इस्तीफा प्रस्तुत करेगा। किसको, राज्य का जो सचिव होगा ना उसको जाकर के अपना इस्तीफा देगा। और अगर वो केंद्र में है मतलब केंद्र की प्रयुक्ति में जैसे कि यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र की किसी मंत्रालय में है IAS ऑफिसर तो वो क्या करेगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो संबंधित मंत्रालय या फिर विभाग के समक्ष जो भी उसका विभाग का या फिर मंत्रालय का जो भी सचिव होगा उस सचिव को देगा। ओके, तो इतना ध्यान रखिएगा सचिव को देगा राज्य में होगा तो राज्य का मुख्य सचिव को देगा, मंत्रालय या फिर विभाग में होगा तो मंत्रालय या विभाग का जो सचिव होगा उसके समक्ष अपना इस्तीफा प्रस्तुत करेगा। ओके, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें संबंधित संवर्ग या राज्य की अनुशंसा प्राप्ति होने के बाद ही जो समक्ष प्राधिकारी अर्थात केंद्र सरकार अधिकारी के इस्तीफे पर विचार करती है, ये समक्ष अधिक प्राधिकारी हैं कौन है IAS के संबंध में जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें राज्य मंत्री है। साथ में IPS के संबंध में अगर हम बात करें तो गृह मंत्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वन सेवा के संबंध में अगर हम देखें तो पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो इस मैटर को देखते हैं, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय मानक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के लिए
राष्ट्रीय मानकों की शुरुआत की गई है। ओके, तो देखिए जो भी ये ऑफिसर हैं इनमें कैसे क्षमता निर्माण किया जाए, तो क्षमता निर्माण आयोग के मुख्यालय में ही इसको एक तरह से विकसित किया जा रहा है। मतलब एक तरह से जो भी ऑफिसर है उनमें कैसे और ज्यादा कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। ओके, उनकी योग्यता प्रशिक्षण को लेकर के ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए मानक बनाने हेतु एक अनूठा मॉडल है वो प्रस्तुत किया है। देखिए भारत में उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण के क्षेत्र में मानक एवं प्रत्यायन पहले से ही मौजूद हैं। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस संबंध में भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय मानकों की, तो इसमें 8 स्तंभ हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहला कौन सा स्तंभ है आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके अलावा आप लोगों को देखें प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है, इसका पहला स्तंभ है। दूसरा संकाय विकास आप लोग देखने को मिलेगा। तीसरा है संसाधन लक्ष्य। चौथा है डिजिटलीकरण। पांचवा है प्रशिक्षु सहायता। और आप लोग छठा देखने को मिलेगा सहयोग। सातवां देखने को मिलेगा प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना। आठवां देखने को मिलेगा संचालन और शासन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है। ये मानक 21वीं सदी की उभरती चुनौतियों से निपटने में सिविल सेवकों की मदद करने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को सक्षम बनाएगा। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ में अगर हम बात करें क्षमता निर्माण अगर आयोग की बात करें जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो 2021 जो है इसका गठन है 2021 में भारत के राजपत्र के माध्यम से, मतलब गजट में प्रस्तुत करने के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। ये पूर्ण कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्त वाला एक निकाय आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो देखिए ये वैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है और साथ में सांविधिक भी नहीं है। सांविधिक और वैधानिक दोनों एक ही होता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो इसमें 3 सदस्य हुआ करेंगे। इसकी सहायता एक आंतरिक सचिवालय है, वो सचिवालय इसकी सहायता करने के लिए होगा। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस सचिवालय का प्रमुख भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी होगा, जिसे सीबीसी के सचिव के रूप में नामित किया जाता है। अगर हम बात करें सीबीसी के कार्यों की बात करें, तो इस आयोग का मुख्य कार्य सहयोग और आपसी साझेदारी के आधार पर क्षमता निर्माण के लिए विश्वसनीय एवं एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित करना है। विभागों और मंत्रालयों और एजेंसियों की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की तैयारी को सुगम बनाना है। सिविल सेवाओं की स्थिति नामक वार्षिक रिपोर्ट है वो भी तैयार करेगा। नॉलेज पार्टनर्स को मंजूरी देगा आप लोगों को देखने को मिलेगा इस मिशन के लिए। ओके, इसके अलावा हम बात करें कि क्षमता निर्माण पहल के लिए एक सामंजस्यपूर्ण समन्वित दृष्टिकोण है वो विकसित करेगा, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सिविल सेवकों के कामकाज में सुधार के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी पहलें की गई हैं, जैसे कि मिशन कर्मयोगी देखने को मिलेगा। मिशन कर्मयोगी है, यह एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट आप लोगों को पढ़ाए भी थे आई गॉट प्लेटफॉर्म है। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी रैंक को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि आपको देखने को मिलेगा उनके कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब ये नहीं है कि वो उसका रैंक कौन सा है, वो देखा जाएगा उस व्यक्ति का कार्य क्या, उस कार्य को ध्यान में रखते हुए उसको एक तरह से स्किल किया जाएगा। ओके, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगा। आरंभ है उसी तरह से एक मिशन चलाया जा रहा है, भारत सरकार ने इसे शुरू किया। ये सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रथम कॉमन फाउंडेशन पाठ्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, इसे 1996 में अपनाया गया था, 2012 में इसकी समीक्षा की गई थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी एक पेशेवर निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवक तैयार करना, यह है सुनिश्चित करना कि सिविल सेवकों के पास आवश्यक ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण हो जिसे वे अपने निर्धारित कार्यों को करने में सक्षम हो। ओके,
लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बिना परीक्षा, जो लोग चाहते हैं कि हमको परीक्षा ना देनी पड़े, बिना परीक्षा के हमको आईएएस बना दिया जाए, तो लेटरल एंट्री के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन लेटरल एंट्री के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के लिए लाया जाता है, उन्हें कोई परीक्षा वरीक्षा ऐसे नहीं देनी पड़ती है कि पहले प्री देंगे फिर मेंस देंगे फिर ऐसे होगा, नहीं। लेटरल एंट्री होती है डायरेक्ट किसी के लिए क्या बना दिया जाता है, आईएएस अधिकारी बना दिया जाता है। लेकिन ये वे व्यक्ति होते हैं जो जो निजी कंपनियों में बहुत ही अच्छी कंपनियों के जो प्रमुख होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्रमुख होते हैं उनको लाया जाता है, जिससे देश है वो तेजी से विकास कर सके। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर पुलिस आयुक्त प्रणाली की, तो देखिए पुलिस आयुक्त प्रणाली है अब भारत सॉरी उत्तर प्रदेश में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली है, जिसको पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम भी बोलते हैं, पीसीएस भी बोलते हैं। इसको लागू करने की बात अब की जा रही है कि मतलब ये अब यहाँ पर भी लागू होगा। अगर हम बात करें, देखिए पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने का निर्णय, जनसंख्या वृद्धि, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, पर्यटन और बेहतर पुलिस व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुए अब आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली है, जो कमिश्नरेट प्रणाली जिसको बोला जाता है, वो स्टार्ट किया जा रहा है। यह प्रणाली लागू करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के नियम के अनुसार जिलों को महानगर शहर पहले घोषित करना होता है। क्या करना होता है? महानगरीय शहर घोषित करना होता है। इससे पहले लखनऊ, नोएडा, इसके बाद कानपुर, वाराणसी में यहाँ पर पुलिस आयुक्त प्रणाली है वो स्थापित की जा चुकी है उत्तर प्रदेश में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर पुलिस प्रणाली, पुलिस आयुक्त प्रणाली जो होती है और दोहरी कमान प्रणाली होती है, इसमें अंतर क्या होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा। पुलिस आयुक्त एकीकृत पुलिस कमान होती है, ये एकीकृत होती है, जिससे क्या होता है, एकीकृत होने की वजह से सारे डिसीजन है वो इंस्टेंट लिए जाते हैं, साथ में नियंत्रण भी अच्छा होता है, प्रशासन भी अच्छा होता है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए जो पुलिस आयुक्त है एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है, वह शहर में पुलिस बल की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है तथा राज्य सरकार या बा राज्य पुलिस प्रमुखों के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है। ये बहुत प्रमुख बात है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर सीपी के पद पर, सीपी के पद पर उप महानिरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उसे विशेष संयुक्त और अपर और उपायुक्त द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है। मतलब जो एडिशनल होते हैं या फिर स्पेशल होते हैं उनके द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है। ऐसे पुलिस अधिकारियों के पास में निवारक गिरफ्तारी है सीआरपीसी के धारा 144 लागू करने और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा आवश्यकता पड़ने पर कुछ कार्यवाही शुरू करने के अधिकार हैं, स्पेशल राइट्स हैं वो दे दिए जाते हैं। मतलब निवारक नजरबंदी है उसका भी अधिकार मिल जाता है सीआरपीसी के धारा 144 के तहत। शहर के अंदर एक तरह से मतलब आप लोग देखने को मिलेगा धारा 144 लागू हो जाती है तो वहां पर कुछ लोग हैं, मतलब 4-5 लोग हैं वो खड़े नहीं हो सकते, 3 लोगों से ज्यादा हैं वो खड़े नहीं हो सकते, आप कहीं भी हैं ऐसे जा नहीं सकते, तो कुछ नियम कानून होते हैं उनका पालन करना पड़ता है, अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, तो इस वजह से धारा 144 लगा दी जाती है। इस पद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्ति व कर्तव्य भी प्राप्त होती है। ये शक्तियां विनियम, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित होती हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर पुलिस सुधारों पर सुझाव देने के लिए गठित अलग अलग समितियों ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की थी। अगर हम बात करें जहाँ पर दोहरी कमान प्रणाली होती है, इस प्रणाली के तहत जिले में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक शक्तियां एवं जिम्मेदारियां हैं होती हैं उनको साझा करते हैं। मतलब कुछ उसको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, कुछ उसको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। डीएम को गिरफ्तारी वाले जो वारंट हैं वो जारी करने का अधिकार दे दिया जाता है और साथ में लाइसेंस जारी करने के कार्य हैं वो सौंप दिए जाते हैं, जबकि एसपी के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां हैं वो दे दी जाती हैं। इस व्यवस्था को शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को डीएम के प्रति अधिक जवाबदेही बनाने के लिए स्थापित किया जाता है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें आगे यहाँ पर
प्रोबिटी पोर्टल की अगर बात करें तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक नया पुनर्निर्मित प्रोबिटी पोर्टल लॉन्च किया है। प्रोबिटी का आशय ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सुचिता और पारदर्शिता और सचित्र जैसे मजबूत नैतिक सिद्धांतों को अपनाने और उनका सख्ती से पालन करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। देखिए यहाँ पर प्रोबिटी पोर्टल को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से निम्नलिखित के संबंध में डेटा प्राप्त करना है, जैसे कि अभियोजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भी अभियोजन की मंजूरी के लिए लंबित मामलों की संख्या, रोटेशनल स्थानांतरण नीति का क्रियान्वयन और दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाइयां है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। डीओपीटी ने अब इस पोर्टल को एक नया रूप दिया है। उपयोगकर्ताओं के अनुभव और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी नई विशेषताएं हैं वो इसमें ऐड की हैं। ओके, अगर हम बात करें कि यहाँ पर मेघालय द्वारा स्थापित जो मेघई है वो एक तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए इसमें 6 स्तंभ है, जैसे कि गवर्नेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, मानव संसाधन देखने को मिलेगा, उद्यमशीलता देखने को मिलेगी, प्राथमिक क्षेत्र देखने को मिलेंगे, अवसंरचना देखने को मिलेगा, पर्यावरण देखने को मिलेगा। हाल ही में मेघई की ई प्रस्ताव प्रणाली ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम है 2022 है वो प्राप्त किया है। मेघई परियोजना का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी के शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए सेवा वितरण और अभिशासन, मतलब जो गवर्नेंस है, के सुधार करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मेघालय सरकार ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है किसने लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य 2030 तक मेघालय में एक उच्च आय वाला राज्य है बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जो भारत के राष्ट्रीय उद्यम स्थापित फ्रेमवर्क पर आधारित आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा पत्र, यह घोषणा पत्र इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास हेतु भागीदारों के बीच एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। इसका उद्देश्य इंटरनेट को खुला और स्वतंत्र और तटस्थ बनाने वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस घोषणा पत्र पर 60 देशों और संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय संघ जिसमें विभिन्न देश आते हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और फ्रांस है इसमें शामिल है। बड़े ऐसे देश, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है कि भारत, चीन, रूस जैसे बड़े देश इसमें अभी शामिल नहीं हुए हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें हिस्सा इनके हिस्सा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसे पहले द रिटर्न ऑफ डिजिटल ऑथोरनिज्म इंटरनेट शटडाउन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया गया था। इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों की संख्या 2020 में 29 से बढ़कर के 2021 में कितनी हो गई है, 34 हो गई है, मतलब 34 हो गई है, 29 से बढ़कर के 34 हो गई है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2021 में लगातार चौथे वर्ष जो भारत है वो शीर्ष पर बना हुआ है शटडाउन लगाने वाला। इंटरनेट शटडाउन, नेट गायब हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, गवर्नमेंट है इंटरनेट शटडाउन कर देती है। ओके, कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा कई बार शटडाउन लगा था, और जहां पर अव्यवस्था उत्पन्न होती है वहां पर इंटरनेट शटडाउन लगा दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देखने को मिलेगा हमारे इधर बरेली में अक्सर इंटरनेट शटडाउन लग जाता है। जब आप लोगों को देखने को मिलेगा दिवाली, ईद, बीद वाला मौका होता है तो उस वक्त अक्सर लग जाता है, या फिर जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो गर्मा गर्मी का माहौल होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय से इंटरनेट शटडाउन है, नॉर्थ ईस्ट है, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले कई सारे रीजन है वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन लगा रहता है। और जम्मू कश्मीर में तो बहुत बड़े एरिया पर इंटरनेट शटडाउन चलता रहता है। जिन एरिया में हालात सही होते हैं वहाँ पर नहीं लगाया जाता है, जहाँ पर हालात बिगड़ने की संभावना होती है उस क्षेत्र में लगा दिया जाता है। ऐसा भी है शहर के आधे भाग में कभी बार लगा दिया जाता है, आधे भाग में नहीं लगाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम बात करें भारत ने बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2021 पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन के तहत डेटा साझा करने वाले प्रावधान,
राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। वर्तमान में यह साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र बहुपक्षीय कन्वेंशन है। वर्तमान में भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, ध्यान रखिएगा। ओके, ये चीजें अगर हम बात करें भारत में इंटरनेट संदर्भ से संबंधित प्रावधानों की, तो भारत में दूर संचार सेवाओं का निलंबन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचना अधिसूचित दूर संचार सेवा स्थायी निलंबन नियम 2017 द्वारा शासित है। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए 2017 के नियम लोक आपात स्थिति के आधार पर किसी क्षेत्र में दूर संचार को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान है। एक बार में 15 दिन, तो एक बार में घोषणा की जाएगी तो मैक्सिमम 15 दिन, गवर्नमेंट है बार बार घोषणा कर सकती है 15-15 दिन करके, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। कितनी बार तो उसकी लिमिट नहीं है, लेकिन एक बार में 15 दिन के लिए इसकी घोषणा की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर परिणामों को चेतावनी देते हुए देश में इंटरनेट शटडाउन से बचने का आह्वान किया है, ये चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर विश्व बैंक का वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिकेटर्स, तो WGI के नाम से इसको जानते हैं। विश्व बैंक के WGI के विश्लेषण में भारत के स्कोर सभी संकेतों में उसके समकक्ष के मुकाबले काफी कम रहे हैं। यह विश्लेषण भारत की सोवरन रेटिंग के लिए एक प्रमुख आधार है वो प्रस्तुत करता है। देखिए जो WGI के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा कितने आयाम है, 6 आयाम है आप लोग देखने को मिलेगा। इसमें नंबर 1 लोगों की आवाज और उनके प्रति जवाबदेही आप लोग इसके आधार पर, दूसरा हिंसा आतंकवाद की अनुपस्थिति और राजनीतिक स्थिरता इसका दूसरा मापदंड देखने को मिलेगा, तीसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा सरकार की प्रभावशीलता, चौथा देखने को मिलेगा विनियामकीय गुणवत्ता आपको देखने को मिलेगा, पांचवा देखने को मिलेगा विधि का शासन देखने को मिलेगा, इसके अलावा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो चलिए वैसे इसमें आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 आयाम में जो भी हम आप लोगों को बताएं इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, 3-4 टॉपिक है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। मतलब ऐसी छोटी छोटी ये न्यूज है, अब खत्म है ये, मतलब यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ, खत्म हो गया ये, मतलब पूरी पॉलिटी आप लोगों को पढ़ा दी है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें हैं लास्ट में दिए रखी हैं। PDF आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब इसको हम क्या पढ़ाए, हम पढ़ करके ही सुनाएंगे इसको, तो पढ़ करके सुनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई चीज ऐसी है नहीं। तो PDF है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी आप लोग, क्लब आई एस एस्पिरेंट आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल अपना मिल जाएगा, वहां पर सारी PDF शेयर कर दी जाएंगी जो हमने हाथ से बनाए हैं, ये नोट्स ये भी आप लोगों के लिए आज सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, तो आप लोग दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, हमने मर्ज नहीं किया है आपस में कॉपीराइट की वजह से, इस वजह से अलग अलग ही आप लोगों को मिलेंगे। बस आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, और PDF हार्ड कॉपी में जो लोग निकलवाना चाहते हैं जरूर निकलवा लीजिए। जो लोग मंथली पढ़ते हैं उनको निकलवाने की आवश्यकता नहीं, जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं अपने उनको भी निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पहले करंट अफेयर भी नहीं पढ़ा, नोट्स भी पहले नहीं बनाए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इन PDF को निकाल करके इसी को अंडरलाइन कर करके पढ़िएगा। अब नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, समय बहुत बर्बाद होगा, समय सेव करिए, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करिए। ओके, कल आप लोगों का हम बहुत ही अच्छे से एनवायरमेंट कवर कराएंगे। ओके, तो एनवायरमेंट एकदम धांसू तरह से आपको रटवा देंगे। एनवायरमेंट देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एनवायरमेंट है, और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इकोनॉमिक्स है, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो करंट अफेयर बेस देखने को मिलेंगे इन्हीं का वास्तव में, और साथ में IR भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक वास्तव में यही सब्जेक्ट है, वास्तव में यही करंट अफेयर है और सब्जेक्ट है इनको, जैसे आपने पॉलिटी हो गया, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आर्ट एंड कल्चर हो गया। ओके, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हिस्ट्री हो गया। तो देखिए ये जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना, इनमें भी करंट अफेयर होता है, लेकिन एक करंट अफेयर इनका कुछ अलग टाइप से पढ़ा जाता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर के थ्रू आप लोगों को इनमें जो करंट अफेयर है वो आप लोगों के लिए, जो करंट अफेयर जो पढ़ते हैं उनमें 90% तो आप लोगों के लिए या फिर 80% आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा कि आप पहले ही अपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं। जो शेष 10% बचा है आप लोगों का,
वही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। जैसे आप वास्तव में बताइए, जब ये पॉलिटी आप लोग पढ़े हैं तो जिन लोगों ने अच्छे से एम लक्ष्मीकांत पढ़ के रखा हुआ, उनको 10 से 15% या 20% कंटेंट ही इसमें मिला होगा, बाकी सब आप पहले ही पढ़ के रख चुके हैं। ओके, तो इसी तरह से पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में सेम वही चीज मिलती है। बस आप क्या है, करंट अफेयर के थ्रू आपको क्या पता चलेगा, हमें कौन से टॉपिक पर इस बार ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। जो भी टॉपिक करंट में रहे हैं वही टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है, उनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट हो गया और साथ में इकोनॉमिक्स हो गया, आईआर हो गया, इनका आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इनका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे और करंट अफेयर को पढ़ेंगे तभी इनके क्वेश्चन है मतलब एमसीक्यू जो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक या दो ऑप्शन होंगे वो करंट अफेयर से दे देगा, एक या दो ऑप्शन होगा उसी में कथन जो दिया रखा होगा वो एक सिलेबस से दिया रखा होगा, दोनों से मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा, तो तभी आप आंसर कर सकते हैं जब करंट अफेयर भी पढ़ेंगे और जब आप इसका सिलेबस भी पढ़ करके रखेंगे तभी। तो इन दोनों को हम बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाएंगे और साथ में आईआर को भी, आईआर बार बार बेचारा छूट जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम घोल करके पिला देंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम आर्ट एंड कल्चर और जो अदर करंट अफेयर है क्या वो नहीं पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। ओके, बस इनका बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ाएंगे, तो ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए आज के लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी समस्या तो कमेंट कर दीजिएगा। हम अभी आज लाइव नहीं थे इसलिए आप लोगों के SMS का रिप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन आप लोग रिप्लाई मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हर मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। ओके, चलिए।